अब्दुल मियाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आराम गुड मॉर्निंग भिड़वा। सॉरी 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 क्यों? आज पानी की टंकी का वाल बंद करना भूल गया। मतलब अभी तक वाल चालू है? मतलब अभी तक वाल चालू है? मैं अभी जाता हूँ और अभी बंद करके आता हूँ। अरे रुको रुको अब्दुल, तुम बातें बंद कर लेना, बाहर थोड़ी आने वाली है। अच्छा सुनो। हाँ अब्दुल भाई, ये आपके लिए। ये क्या भिड़े भाई, डांटने का नया तरीका, गुलाब देकर? अरे नहीं नहीं अब्दुल भाई, ऐसे डांटने के लिए फूल देने लगे तो गुलाब का बगीचा बनाना पड़ेगा। अरे भाई अब्दुल, हमारे सकाराम को बचाने के लिए तुमने जो हमारी मदद की है, इसके लिए आभार प्रकट कर रहा हूँ। क्या भीड़े भाई, ये तो मेरा फर्ज था, इसमें आभार मानने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं अब्दुल भाई, पर फिर भी आपने जो बहादुरी दिखाई है वो तो होकी रही हो। अरे मंजे का है वो, बादल भाई की वो बंदूक के सामने से सीना तान के खड़ा हो गया। मैं भीड़े भाई के साथ हूँ। सच में अब्दुल, तुम्हें दिल से सलाम है दोस्त। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, ये मिठाई भी तुम्हारी। थैंक यू। चलो अब्दुल हम चलते, बाकी सबके घर भी जाना है। वो याद से वॉल बंद कर देना। हाँ भीड़े भाई, अभी बंद कर देता हूँ। कोमल जल्दी समोसे लेके आओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। क्या हुआ? आरती को कोई बो कर रहा है कोमल। गुड मॉर्निंग आरती भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग बहुत सही समय पे आए हो, कोमल गर्मा गर्म समोसे बना रही है, खुशबू आ रही है ना? एक्चुअली आ रही है। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए। सस घरे काय झाले तू मला? हम भी आपके लिए कुछ लाए। अच्छा क्या? कोमल भाभी, हाथी भाई, सखराम वापस लाने में आप लोगों ने जो मदद की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। सोनू फूल दे। ये आपके लिए। ओह सो स्वीट। और हाथी भाई, ये आपके लिए मिठाई। माधवी भाभी, वी आर अ फैमिली, तो ये फॉर्मेलिटी क्यों? ओह कम ऑन कोमल भाभी, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मिठाई नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? पर ये मिठाई का डब्बा तो खाली है। भैया मैंने जब दिया था तब मिठाई थी, उसमें वजन था। वजन था लेकिन अब वजन यहाँ चला गया। हंस। अरे हंस क्या? हाथी भाई। वैसे मिठाई बहुत टेस्टी थी, एक डब्बा और मिल सकता है क्या? हंस। अरे नहीं हाथी भाई, क्या है ना, दरअसल हम लोग गिनकर बॉक्स लाए और सबसे पहले आपके घर में आए ना, तो बाकी घर में जाना बाकी। कोई बात नहीं हाथी भाई, दुखी मत होइए, ये आपसे मजाक कर रहे हैं। हमें पता था आपको ये मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा बॉक्स लेकर ही आए थे। अरे थैंक यू सो मच अगो भाई। कोमल पापी, थैंक यू माधवी भाभी। वैसे भिड़े मास्टर, इस मिठाई को खा के आज की मॉर्निंग स्वीट मॉर्निंग हो गई है। काश ऐसा हो कि तुम रोज ऐसे ही मिठाई लेके आओ। हाथी भाई आप क्या कह रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि रोज हम पर मुसीबत आती रहे, आप हमारी मदद करते रहे और हम आपको मिठाई खिलाते रहे? नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं भिड़े मास्टर, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे जीवन में रोज खुशियां मनाने के नए नए मौके हैं और तुम रोज हमें मिठाइयां खिलाओ। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आदि भाई, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। चलो हम लोग चलते हैं, अभी मेहता साहब के घर जाना है। ओके चलो बाय। मेहता साहब, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। ओ हो, अरे पूरा भिड़े परिवार हमारे द्वार, आइए आइए भाई आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अरे भाई आप लोगों ने तो हमारी सुबह खूबसूरत बना दी है। लेकिन क्या लेके घूम रहे हो भाई भिड़े इन कैरिफैक्स में? उस थैली में गुलाब, गुलाब जामुन तारा। नहीं नहीं गुलाब जामुन नहीं मेहता साहब, सिर्फ गुलाब है। हाँ गुलाब। सुबह ही सुबह गुलाब बांट रहे हो, क्या बात है भाई, किस खुशी में? मेहता साहब, अंजलि भाभी, आप दोनों ने हमारे सखराम को वापस लाने में हमारा जो साथ दिया है, जो मदद की है, उसके लिए हम आपका आभार मानने आए। सुनो बेटा। हाँ। अरे
ये लीजिए मेहता अंकल। थैंक यू सो मच। और ये लीजिए मेहता साहब, इसमें गुलाब जामुन नहीं है लेकिन मस्त तोपे की बर्फी है। हा? क्या फर्क पड़ता है माधुरी भाभी, ये तो सिर्फ नाम है। क्या फर्क पड़ता है गुलाब जामुन हो बर्फी हो, दुनिया में सब समान है। हमें ये वर्ग विभेद रखना ही नहीं चाहिए। और मुझ जैसे डाइट के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति के लिए तो सब अच्छा है। संत लोग हैं हम तो, हमें कोई गुलाब जामुन दे दे, हमें कोई बर्फी दे दे, एक चम्मच चक्कर खिला दे, सब ठीक है। डाइट पीड़ित लोग, वाह तारक, चाहे आप मेरी जितनी भी नेगेटिव तारीफ करें पर आपको ये बर्फी कतई मिलने वाली नहीं है। अरे ऐसी बातें कर रही हूँ अंजलि, मैं क्या बर्फी मेरे लिए खा रहा हूँ? कितना बुरा लगेगा बेड़े को, कितना बुरा लगेगा माधवी भाभी को, सोनू को, ये इतनी खुशी खुशी हमारे लिए मिठाई लेकर आए, हम न खाए, है ना? वो भी तो है। अरे अंजलि आंटी, मैं तो अंकल को सिर्फ एक पीस खाने दो। देखो प्लीज मेरे लिए प्लीज। ओफो सोनू, अब तुमने कहा है तो मैं फिर ना भी नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है एक खा लीजिए। देखो सोनू कितनी समझदार है। आप लेंगे? नहीं नहीं। अरे वाह क्या बात है भाई, बेड़े भाई, माधवी भाभी, सोनू, आप लोगों के परिवार का हमने गुलाब भी स्वीकार किया, मिठाई भी स्वीकार किया, हमारा एक आग्रह आपको मानना पड़ेगा है? चाय पीनी पड़ेगी, चाय नाश्ता हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं तो सब कैसी बातें कर रहे हो भेड़े भाई, पी लो चाय, तुम्हारे बहाने मसाला चाय मुझे भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स नॉट तारक, आपका मीठे का कोटा खत्म हो चुका है इसलिए आपकी चाय कैंसिल। पर हाँ, मैं भीड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू के लिए ATM स्पेशल मसाला चाय जरूर लेके आऊंगी। बैठिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, अभी सबके घर पे जाना है, क्या है सुबह का टाइम है ना, तो सब घर पे मिलेंगे, तो अभी जाते हैं। तो चलते हैं। चलो ठीक है, क्या बात है मेरा सब, एंजॉय। बाय 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 बाय, चलो चलो बाय। अरे मिठाई तो कुछ भी नहीं सोड़ी तुमने मेरे लिए, जो किया है ना भाई, जी कर रहा है कि तुम्हें से गोद में उठा लूं। अरे तो उठा ले। अरे नहीं नहीं भाई, भावनाओं को समझो बस। ओ मैंने पता, मैं भी मजाक कर रहा था यार। सोडी अंकल, रोशन आंटी, बाबा की मदद करने के लिए आपको फिर से थैंक्स। और पुत्र ऑलवेज वेलकम। हाँ सच में आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अरे माधवी भाभी, ओ माधवी भाभी तुसी भी कमाल करते हो, ओ ये तो हमारा फर्ज था, और आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है जी। अरे ऐसे कैसे सोड़ी, आभार मानना जरूरी है। अरे मैं तो कब की हिम्मत हार चुका था, वो तो तुमने मेरी हिम्मत बंधाई, तुमने 12 घंटे का चैलेंज दिया और सकरम को वापस लेके आए भाई। यस। और सबसे मेन बात सोड़ी, तुमने अपने गुस्से पे सही समय पर करके काबू रखा। और फिर तेरा ये दोस्त रोशन सिंह हरजीत सिंह सोड़ी तेरे लिए गुस्सा कर भी सकता है और गुस्से को नीट भी सकता है। नीट? नीट इटले? सोनी तू भी कमाल करती है, और मैंनू लगता है तुझे भी पिड़ू से ना ट्यूशन लेनी चाहिए। नीट मतलब साफ, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा गुस्सा अंदर जाना चाहिए ना। अच्छा नीट एंड टाइडी टे? हाँ नीट एंड टाइडी। मेरी रोशन बड़ी समझदार है। वैसे सोडी अंकल, हम आपके लिए कुछ और भी लेके आए हैं। की? ये। ओ माय गॉड, क्या बात है। ओए पिड़ू, तू ये लेके आया मेरे लिए? वो गुलाब के फूल की जगह गेंदे का फूल लेके आना था यार, वो मुझे पसंद है। ऐसे? गेंदे का फूल? हाँ, पर अगर तेरे को गेंदे का फूल नहीं मिलता तो गोभी का फूल लेके आया था यार। अब मेरी रोशन डार्लिंग फर्स्ट क्लास उसके गोभी के परांठे बनाती है और हम सब मिलके खाते यार। सॉरी मुझे नहीं पता था तुम्हें गेंदे का फूल पसंद है, मुझे लगा तुम रोमांटिक आदमी हो तो तुम्हें गुलाब का ही फूल पसंद होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम को गेंदे का फूल लेके आऊंगा, और अगर गेंदे का फूल नहीं मिला तो गोभी का फूल लेके आऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार। और रोशन डार्लिंग, मेरी गुलाब के फूल, और मेरी तरफ से तेरे को ये गुलाब का फूल। ये करना बहुत जरूरी है। ये मैं वही सोचूं कि अभी तक उठाया कैसे नहीं। ओ यारा पिड़ो, तू अगर फूल की जगह कांटे भी देता ना
तो भी हमारी दोस्ती फूल के जैसे ही खूबसूरत रहती। ओहो, क्या बात कही, दिल खुश कर दिता। और थैंक यू पड़ो। ओ सोनिए, ओ बराबर एक काम कर, फर्स्ट क्लास मस्त आलू के परांठे सफेद मक्खन मार के और साथ में लस्सी। ओए लगे यार, अभी लेकर आ। अरे नहीं 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 रोशन भाभी, नहीं, क्या है अभी जेठालाल के घर पे जाना है, इससे पहले वो दुकान चला जाए, उसे भी फूल और मिठाई देनी है। जेठालाल ये क्या कर रहे हैं? आभार प्रकट कर रहा हूँ जेठालाल। किसका? तुम्हारा। मैंने क्या किया? सखाराम को छुड़ाने में हमारी इतनी मदद की तो आभार प्रकट कर रहा हूँ। थैंक यू। तू कब से अंग्रेज हो गया? अंग्रेज? और नहीं तो क्या, ये सब अंग्रेजों के चोचले है ना, बात बात में थैंक यू सॉरी एक्सक्यूज मी ये सब। अरे हम तो भारतीय है भाई, ऊपर से गोकुलधाम निवासी, हमारे बीच में ऐसी औपचारिकता थोड़ी है आभार प्रकट करने की और थैंक यू बोलने की, ये क्या है? बंकर भाई। हाँ लेकिन अभी लाया हो तो ले लो ना प्लीज। हाँ टप्पू के पापा बहुत प्यार से लाए है, ले लीजिए। ठीक है अभी इस बार रख लेता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा वेवड़ा वेवड़ा मत करना भाई। और हमने जो कुछ किया हमारा पड़ोसी धर्म समझ के किया भाई, उसमें आभार प्रकट करना और ऐसा अच्छा नहीं लगता है। जेठा अंकल, दया आंटी, आप लोगों ने सखाराम को वापस लाकर बाबा की खुशियों को वापस लाने में मदद की है। सोनू बेटा, भीड़े बहन, भीड़े भाई, हम सभी गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, और परिवार वाले एक दूसरे के काम आते हैं उसे फर्ज निभाना कहते हैं, उसमें आभार नहीं मानते। वाह, पहली बार तूने अपनी माँ की कही नहीं बल्कि अपनी खुद की कोई अच्छी बात कही। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, ये बात मुझे सुंदरी ने कही है। अच्छा जेठालाल, और एक चीज, ये मिठाई आप सबके लिए। अरे वाह, मिठाई तो जरूर खाऊंगा भाई, और सबसे पहले मेरे हाथों से मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा, ये सखाराम के वापस आने की खुशी मिले। क्या कर रहा है चिट्ठिया तू? सर मैं आपको मिठाई खिला रहा था बापूजी। खिला रहा था कि ठूस रहा था? नहीं नहीं, खिला रहा था बापूजी, वो थोड़ा पैर फिसल गया उसमें थोड़ा वो। ठीक है, वैसे ये मिठाई किस खुशी में? क्या खुशखबरी है भिंडी मास्टर? सोनू बेटा, वो बापूजी सखाराम भाई को छुड़वाने में हमने इनकी मदद की ना, इसलिए ये हमारे लिए ये गुलाब मिठाई ये सब लाए हैं आभार व्यक्त करने के लिए। आभार? ए भिंडी मास्टर, तुझे शर्म नहीं आती आभार मानते हुए? अरे हम सब क्या पराए? ले 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 तो जा, ले तो जा, मैंने अभी उसको यही बोला बापूजी। अरे भाई, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है, इसमें आभार क्या मानना बापूजी? चाचा जी, मुश्किल घड़ी में आप सबने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की, हमारी हिम्मत जुटाई, तो आभार मानना तो बनता है ना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और भगवान करे ऐसी मुसीबत तुम लोगों पे कभी ना आए। अरे किसी पर कभी ना आए। दादाजी, ये गुलाब आपके लिए। अरे वाह, चलो हम लोग चलते। अरे नहीं नहीं भीड़े बहन, आप बैठिए ना, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, बैठिए भीड़े बहन। नहीं 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 देवा भी, फिर कभी, क्या अभी अय्यर के घर पे भी जाना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रोज। इसका कोई जरूरत नहीं था। अरे बिल्कुल जरूरत थी अय्यर, तुमने मेरे सखाराम को बचाने के लिए बेहोशी की कुल्फी खा ली। तुम्हारा ये बलिदान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। टेम्पररी बलिदान। अरे नहीं नहीं आत्माराम, देखो मैंने तुम्हारा हेल्प करने के लिए बेहोशी का कुल्फी खाया, कभी तुम मेरा हेल्प करने के लिए बेहोशी का कुल्फी खा लेना। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गए। नहीं अय्यर भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम पर ये नौबत कभी ना आए। ओ खरे से। थैंक यू सो मच आत्माराम, थैंक यू। अच्छा चलो, अभी आप लोगों ने तो आपकी फीलिंग्स दिखा दी, अब हमें भी जरा हमारी छोटी सी फीलिंग्स दिखा लेती थी प्लीज। बबीता जी, किस लिए? पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मना बिल्कुल नहीं करोगे। अरे मैं समझ गई।
बबीता आंटी हमें कॉफी और नाश्ते के लिए बोल रही है, am I right? Exactly. आपको हमारे साथ बैठ के अभी कॉफी और ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ओके? यस यस बबीता जी, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी नहीं, क्या है अभी पोपटला के घर पे जाना बाकी है अभी, लेकिन संडे शाम को हम लोग जरूर आएंगे और नाश्ता करेंगे. हो ना, नक्की ना तुम्हें? एकदम आशबो. अरे पोपटलाल, आइए 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 आइए, भिड़े परिवार का पत्रकार पोपटलाल के घर में स्वागत है. क्या बात है. अच्छा पोपटलाल, सब पता है, आप तीनों मेरा आभार प्रकट करने के लिए आए हैं, बराबर? तुम्हें कैसे पता? अरे भूल गया भिड़े, मैं पत्रकार हूँ, खबरें उड़कर मेरे पास आ जाती है. मुझे? अरे भाई, अब्दुल की दुकान पर गया था सामान खरीदने, तो उसने मुझे सब बता दिया है, इसलिए पता है. हाँ मडून. पोपटलाल तुम्हें पता है, फिर भी मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा खूब खूब आभार. हाँ पोपट भाऊ जी, आप लोगों की मदद के बिना हमारा सखाराम हमें वापस नहीं मिलता. यस पोपट अंकल, थैंक यू वेरी मच. भाई आप तीनों के आभार का मैं स्वीकार करता हूँ. बस थैंक यू पोपटलाल, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, लेकिन दिल से थैंक यू. ये रहा मिठाई का बॉक्स. वाह वाह वाह, क्या बात है, गुलाब का फूल. वो भी पता है? अरे भाई मैंने बोला ना, अब्दुल ने मुझे सब बता दिया था डिटेल में. पहले आभार, फिर मिठाई का डब्बा, और फिर गुलाब का फूल. बाबा क्या हुआ? फूल खत्म हो गए. सॉरी पोपटलाल, गुलाब के फूल तो खत्म हो गए. अरे ऐसा थोड़ी चलता. नहीं ऐसा तो नहीं भिड़े कि तुम मुझे गुलाब का फूल देना ही नहीं चाहते थे. अरे नहीं पोपटलाल, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो भाई. नहीं कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूँ भिड़े, तुम शिक्षक हो, तुम्हारा हर काम परफेक्ट होता है. तुमने बाकायदा लिस्ट बनाई होगी कि किस किस को गुलाब का फूल देना है. तुमने जानबूझ के लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखा और मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर नहीं आए, क्योंकि तुम मुझे गुलाब का फूल देना ही नहीं चाहते. अरे काहे बोलते पोपटलाल? इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है. वो एक्चुअली मैं मार्केट गई थी फूल लाने, और मुझसे ही वो काउंटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई. कोई बात नहीं सुनो बेटा, चलता है, उसमें क्या है, गुलाब का फूल थोड़ी इम्पोर्टेंट है. अब वो काय पलटी मार लिए, मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे इतना सुना है, और सोनू का बोल रहा है चलता है, गुलाब का फूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अरे भाई सोनू सोनू है, सोनू की सारी गलतियां पोपट अंकल माफ कर सकते हैं, लेकिन तेरी गलती क्यों माफ करूं? अरे भाई मजाक कर रहा हूं, गुलाब का फूल देने की कोई जरूरत नहीं. हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, यही काफी है. अब कल को मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा तो माधवी भाभी मुझे नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं नहीं मतलब नहीं, कसम बताऊंगी ना, पक्का बताऊंगी. और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने वालों की भगवान हमेशा सुनता है. देखना पोपट भाऊ जी, इस साल आपकी शादी जरूर हो जाएगी. थैंक यू थैंक यू. हाँ भाई तुमने बोला था ना 2017 मतलब हम दो एक साथ हो जाएंगे. अरे याद है तुम्हें, क्या बात. चलो पोपट लाल, थैंक यू वंस अगेन भाई. माय प्लेजर भाई. चलो पोपट भाऊ जी, थैंक यू. थैंक यू नका सांगू. नका बोलू. और मित्रों देखना ये है कि अब इस गोकुलधाम की रेल की सवारी में क्या होता है आगे, कौन से नए हालात होते हैं और कौन सी नई कहानी. जो भी होगा आपकी जिंदगी की पटरी पे हमेशा धड़धड़ाती रहेगी हंसी की पेन. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.